नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम पहुंच चुके हैं थाना रेवसा, गौढ़ी छोलहा ग्राम है, गांव है। तो बने रहिए वीडियो में। और यहां देखिए शारदा नदी जो है इतनी तेज से कटान कर रही है। तो ये देखिए ग्रामीण लोग जो हैं गांव वाले, तो अपना घर तोड़कर ट्रैक्टर ट्रालियों में और अन्य भी साधनों में कहीं और शिफ्ट होने का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये जो घर की ईंट है, ये दीवार है, ये सब कहीं अंत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके घर की जो भी सामान बच सके वो कहीं अंत ले जाकर के अपना नया घर बना सकें। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और आप लोगों को दिखाते हैं कि ये देखिए जिस आदमी का घर है वो अपना सामान उजाड़ कर ले गया और ये नदी है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और ज़रूर देखें। तो शारदा नदी का जो कटान है बहुत तेज़ से चल रहा है। तो ये पूरा गांव है जो खाली हो चुका है, सिर्फ जानवर बचे हैं। और ये देखिए ये जो लोग हैं तो अपने ट्रैक्टर ट्राली से घर की सामान जो है ढोने में लगे हुए हैं। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से ग्रामीण लोग अपने घर की सामान बाहर ले जाने में कितनी तकलीफ हो रही। ये है नदी और ये है देखिए ज़मीन और खेत और जिनकी फसल लगी हुई है। तो किस तरह से कटान जारी है शारदा नदी का और कहाँ तक। तो देखिए कितना, अब ये जिसका घर होगा। और मेन बात ये कि आज रक्षाबंधन का दिन है, 30 अगस्त 2023 आज रक्षाबंधन का दिन है। इस दिन लोग रक्षाबंधन की खुशी मना रहे हैं और ये ग्रामीण लोग जो है अपना घर कहीं अंत बनाने में लगे हैं। तो इनको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी कि आज रक्षाबंधन की पर्व का दिन है और ये लोग बेचारे अपना घर कहीं अंत ले जाने में जुटे हुए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि रक्षाबंधन के दिन जिसका घर नदी में कट रहा हो उसके दिल पर क्या बीतेगी। और ये देखिए ये द्वारे का नल है जो इसको उखाड़ने में लगे हैं। तो इसको खोद कर निकालेंगे और फिर कहीं अंत ले जाकर के शिफ्ट करेंगे। और ये ट्रैक्टर जो चल रहे हैं तो ये दूसरे घर और दूसरी सामान ले जाने में देखिए ट्रैक्टरों को कितनी दिक्कत हो रही है कि नदी का जो बाढ़ का पानी यहाँ आया है और नदी कटान जो इतनी तेज़ी से कर रही है। तो इन लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी जो आज रक्षाबंधन के दिन, त्यौहार के दिन इनका गांव जो है कट रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो हम पहुंच चुके हैं थाना रेवसा ग्राम गौढ़ी छोलहा, थाना रेवसा ग्राम गौढ़ी छोलहा। ये देखिए यहाँ पर ये जो गौढ़ी गांव है इसका कटान जारी है। तो नदी जो घाघरा नदी है वो गांव को काट रही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और देखिए ये जो इस तरफ ये पानी दिख रहा है और ये इस तरफ जो जानवर बंधे हुए हैं और ये गौढ़ी गांव है इसको नदी घाघरा नदी काट रही है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और देखिए कितना किसानों का गन्ना जो है नदी में कट रहा है। और आप लोगों को हम दिखाएंगे अभी कि गांव के लोग जो हैं ये देखिए किस तरह से घरों को काट रही है। और ये जो जानवर हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि कुछ ट्रैक्टर हैं जो ग्रामीण लोग अपना घर बार जो है उसको ट्रैक्टर ट्राली से कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए घर की जो ईंटें हैं, छप्पर हैं या अन्य भी सामान घर में होती है लोगों की, तो वो सब जो है तो कहीं अंत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए गांव वाले अपना घर जो है उठाकर कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये गन्ना जो दिख रहा है आप लोगों को इस तरह से कितना शारदा नदी ने काट लिया है। और यहाँ पर कटान बहुत जारी, बहुत ज़ोरों से चल रहा है, नदी बहुत ज़ोर से कटान कर रही है। तो यहाँ तक देख सकते हैं आप कि ये सब गांव दिख रहा था
तो ये सब कट चुका है फिलहाल, और आगे इसका पता है गांव गौड़ी छोलहा और थाना रेवसा जिला सीतापुर, यहाँ पर घाघरा नदी जो है, शारदा नदी जो है वो कटान कर रही है। आगे वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें और आप लोगों को तब पता चलेगा। आज तारीख है 29 अगस्त 2023 को ये गांव जो है कट रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इतना तेज बहाव है हमारे यहाँ बारिश में पानी का, तो किस तरह से बारिश कितनी भयानक हुई है जो यहाँ पर देखिए कितना सारा पानी भर चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें कि कितना पानी बरसने के कारण इतना ज़्यादा पानी हो चुका है। ब्लॉग में आज अब लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही है। यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ इतनी भयानक बारिश हुई है कि इस तरह से धारें चलने लगी हैं, जो इस तरह से देखिए कितना सारा पानी भर चुका है। और आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से धार ये चल रही है बारिश होने के कारण, तो इतनी भयानक बारिश हमने पहले कभी नहीं देखी। तो यहाँ पर देखिए बारिश इतनी भयानक हुई है कि ये किसानों का गन्ना जो है तो गिर गया है पूरा एकदम से, देखिए किस तरह से बिछ गया है, लगता है कि किसी ने बिछाया है, तो इतनी बारिश होने के कारण ये गन्ना पूरा गिर चुका है। यहाँ पर देखिए कितनी धार तेज जो इस पुलिया के अंदर जा रही है, इतना भयानक बरसात हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ किस तरह से कितनी तेज धार चल रही है, यह पानी इतना हमारे यहाँ इतना बरसा है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ बरसात कितनी ज़्यादा हुई है और हमारे यहाँ बहुत दिनों के बाद इतनी भयानक बरसात हुई है, जो आप लोगों को कुछ पल हम बरसात के दिखाए हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर रात को प्रोग्राम हुआ था, तो और आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। तो हम तो यहाँ बारिश बहुत देर से हो रही है, तो बने रही हमारे वीडियो में और देखिए कितनी खतरनाक बारिश हो रही है, बहुत तेज यहाँ पर बरस रहा है। बारिश हो रही है, आप लोग पीछे देख रहे हैं हमारे बाग में, और हम अपने खेतों को टहलने आए हैं, तो हम हमारी फसल देखिए कितनी बर्बाद हो गई है पानी की वजह से। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में और अभी आपको हम दिखा। दिखाते हैं कि हमारे जो धान लगे थे वो कितने नुकसान हो गया है और कितने बर्बाद हो गए हैं, तो आगे आप लोगों को हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। ये देखिए हमारे धान देखिए कितने पानी में
सब पलट गए हैं और चार दिन से बारिश लगातार हो रही है। आप ही लोग बताइए कि कितना नुकसान हमारा हो चुका है। और देखते रहें, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है हमारा आप ही लोग बता सकते हैं, और कितने धान हमारे बर्बाद हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और हम भी ब्लॉग बना रहे हैं। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि हमारे धान कितने बर्बाद हो चुके हैं, और हमारे यहाँ चार दिन से लगातार बारिश हो रही है। और ये देखिए हमारे गन्ने की फसल है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना पानी में नुकसान हुआ है हमारे गन्ने की फसल का। तो वीडियो अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई लोग। तो आज हम इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ देखिए कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है और कितनी भयानक बारिश हो रही है। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये देखिए धार चलना शुरू हो गया है कि इतनी तेज़ से बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और आप लोग ये सोच रहे हों कि ये कह रहा है कि हमारे यहाँ, हमारे गांव का नाम है केवटाना, थाना तंबोर, जिला सीतापुर। तो इस गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और देखिए किस तरह से कितनी तेज़ बारिश हमारे यहाँ हो रही है। तो ये वीडियो कुछ न्यूज़ की तरह है, इस ब्लॉग में हम कुछ न्यूज़ की तरह दिखा रहे हैं आप लोगों को। और तो आज हमारे यहाँ दो दिन से बारिश लगातार हो रही है, तो बारिश की वजह से देखिए हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है। तो ये लोग देखिए पानी में किस तरह से ये ट्रक खड़ा हुआ है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और हमारे यहाँ दो तीन दिन से बारिश इतनी भयानक हुई है कि पूरे इलाके में बाढ़ आ चुकी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए किस तरह से लकड़ियां और कहां तक आप लोगों को सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।